राजस्थान के बारां जिले के अंता में उत्तराखंड नैनीताल के भीमताल से भाजपा विधायक राम सिंह कैड़ा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर आरोप लगाते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को विफल बताया। साथ ही गौवंशों की दुर्दशा को लेकर स्थानीय मंत्री को घेरते हुए गौवंशों की हो रही दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराया गया। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक राम सिंह केड़ा ने कहा कि अंता विधानसभा में इस बार कमल का फूल खिलेगा। साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता एकजुट होकर आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को विजयी बनाएंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रवासी विधायक राम सिंह खेड़ा को चमन रिसोर्ट में एकत्रित होकर कस्बे में एकता से रैली निकालकर विदाई दी। बाद में प्रवासी विधायक राम सिंह कैडा ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। छाए मंडलों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। कार्यकर्ताओं में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह है, और कांग्रेस की ये पौने 5 साल की सरकार के कारनामे और अंता विधानसभा के जो विधायक है और विधायक के कारनामे, और वो मंत्री भी है, और उनके सभी कारनामों से स्थानीय जनता बहुत नाराज है। मैं मान सकता हूँ कि कुछ चाटुकार जो मंत्री के आसपास घेरे लगे के बैठे होंगे, उनका मंत्री के साथ कहीं पर खनन के रूप में, कहीं पर दूसरे रूप में, कहीं पर दूसरे अवैध कामों में रिश्ता हो सकता है, लेकिन प्रदेश की आम जनता वर्तमान गोपालन मंत्री से त्रस्त है और खान मंत्री से परेशान। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।